साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से संगठन को मजबूत करने में लगी है। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी को भी दूर करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर चुके और केंद्र के साथ राज्य सरकार की योजना जनता तक पहुँचाने का आह्वान भी कर चुके हैं, पर अधिकारी बीजेपी के नेताओं पर ही दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। मामला भिंड जिले के लहार विधानसभा का है, जहां से विधायक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। बीजेपी नेता हृदय शर्मा, जो कि भाजपा के बड़े पदों पर हैं, वो तक डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रताड़ना से तंग हैं। हृदय शर्मा ने कहा कि लहार में शिकायत के बाद भी अधिकारी कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ दबाव के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिला रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनावी जमावट में लगे बीजेपी के दिग्गज नेता कैसे इन कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर पाते हैं और 200 पार का नारा कैसे साकार होता है, जब कार्यकर्ताओं की ही उनकी सरकार में नहीं सुनी जा रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हृदेश बोल रहे थे। अब तो कह रहे थे हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, आप काहे के लिए हमारा विरोध करते रहते हो हमेशा? तुम बहुत बड़े नेता हो भाई, जो तेरा नाम वो आओ तुम से तुम्हारा विरोध कर, तुम्हारी क्या हैसियत है तो तुम्हारा विरोध करेंगे? झूठ बैठ जाकर मैंने कब किया? हमारा साल डेढ़ साल से कुए के बाद नाम मालूम ना हमें याद है न चर्चा में आई, आज तक किसी कोई बात हुई। सुनो दोस्त, आपने हमसे खुद ही कही थी आज से 8-10 करीब आप कहाँ थे कहीं कार्यक्रम में, तब आपने हमको बोला था? नहीं मैंने नहीं बोला, कार्यक्रम में बोला। जिस समय से तुमने हरकत दी उल्टा सीधा रखा तब हमारे बारे में लोगों ने बताया क्या, अभी भी लिख रहा है तुम्हें ऐसा है, लिख लो तुम कभी जब आएगा मौका तो हम देखेंगे। हम नहीं देखो किससे लिख रहा है, हम कहा लिख रहे हैं आपके खिलाफ, ये तो बताओ। ये बैठे हैं राजू, बताओ जो बात करो। हेलो, हाँ अरे तो हम कह रहे हैं आप हरदम लिखते हो फेसबुक पर क्या, आपने बहुत कल लिखा था? नहीं हमने कहा लिखा है, मुझे तो बताओ। मैं हम आपको व्हाट्सएप पर भेजा दे रहे हैं। नहीं अब लिखो तो जो बताओ, जो होगा वही तो लिख रहे हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पे लिख नहीं सकते हम। क्या नहीं बात तो फेसबुक पे कहा है आपको ऐसे कहा करनी है तो तुम ऐसी चीज लिखा था, बताओ ना। नहीं अब आप जी हमारे में काय को इंटरेस्ट लेते हैं, आप इंटरेस्ट लिए तो हर सीजन में मतलब हमारे सामान्यता गांव को जो विवाद है तो वो खत्म होगा तो भाई उकसाते रहते हो बार बार। कौन ने कौन काय को उकसा रहा है? वही गिरदेश वालों विवाद क्या वो कुगा वगैरह आपको काले वो सामने आज तक मतलब नहीं आपको कहूँ कैसे मतलब नहीं आप, सुन, आप सुनो तो सुनो तो चलो भाई बात सुन लीजिए। पहले ने उनको क्या नाम SDM थे पहले कौन से अपने यहाँ लार में कुए थे प्रजापति जी, ठीक है। पहले उन्होंने कुलुआ से फोन किया था, ठीक है। दूसरी बार और भी बातचीतें हुई। अब आपकी बातचीत हम आपका जैसे आप हो आप हमें आपसे हमारे बातचीत आपका कभी विरोध की हमने कहीं? नहीं हमारा नहीं, लेकिन साहब का विरोध इस टाइप से कोई नहीं लगता जो आप लिखते हो, आप वैसे साहब से काम व्यक्तिगत कह रहे हैं। नहीं तो भाई हमारा व्यक्तिगत करते नहीं, SP को कलेक्टर को TI को PWD को नगर पालिका सब जगह भी हमारे खिलाफ बोलते थे वो साहब। हाँ देखो सुनो हमें बता रहे हैं ना सबूत को, हम तो हम बता रहे हैं कि दबू नगर पालिका में जैसे हमने काम किए थे पहले जब रूप मेरा सुनो तो अरे पेमेंट हो गया पहले हमारे फर्जी हमारे खिलाफ ठहराव डला, ठीक है। ठहराव डलने के बाद फिर वो ही पेमेंट हो गया तो ये नियम के सब विपरीत है एक बात। दूसरी बात हमारी विधानसभा लगाई, एक हमारा पेमेंट था 1.25 करोड़ रुपए का, उसमें जिगनी है वही सरकार, उसमें विधानसभा लगाई तो मैं व्हाट्सएप में विधानसभा का प्रश्न उत्तर भेज देंगे, ठीक है। दूसरी बात अब आप फेसबुक की बातचीत कर रहे होगे, हम पे कहा लगातार अगर 3-4 दिन से कई वरिष्ठ अधिकारी जन के फोन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने तो ये भी बोले वो डॉक्टर साहब बड़ा आपका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, तो हमने भी हम बात कर लेते थे। हाँ फेसबुक की जो बात सही है कि हम फेसबुक पर लिख रहे हैं तो फेसबुक पर हमने क्या लिखा है बताओ आप हमें, हमने जो गलत लिखा है बताओ आप पूरे तहसील में किसी का नहीं आता, सब आपसे आप ही सबसे ज्यादा करते हो तो क्या कर सकते हैं। देखो हम भी चाह रहे थे आपसे बात करें एक आधा बैठ गए, इसकी लाल में कोई नहीं लिखता जितना आप लिखते हो। नहीं हम लिखा टहगे तो हमने कोई इनके गलत लिख दी हो तो आप बताओ तो जहाँ गलत चीज ये लिखी है कि हृदेश भाई तुमने गलत जी लिखा है बताओ। तो शुरुआत में देवेंद्र त्रिपाठी जी ने आपसे बात करी थी? नहीं देवेंद्र त्रिपाठी जी ने तो भाई सुनो देवेंद्र त्रिपाठी जी ने भाई बात करी थी करवाई थी डॉक्टर साहब से करवाई थी
अरे साहब नहीं है इतने देर बाद नहीं उनसे नहीं करे आप ठीक है ओपन कर दो और आईडी ओपन कर लो रोल। क्या कुछ आपको नेता प्रतिपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है और आपने शिकायतें की हैं तो क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? नेता प्रतिपक्ष ने पूरे भिंड जिले के जिला प्रशासन पर कब्जा जमा लिया है और न्यायोचित कार्रवाइयां नहीं होने दे रहे अपने नेता प्रतिपक्ष के पद के चलते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी एक पूरा हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था, मैं पार्टी के हित के लिए क्षेत्र में काम कर रहा हूं और नेता प्रतिपक्ष मेरी उक्त सक्रियता से बौखलाए हुए हैं, लगातार निरंतर कई वर्षों से मेरा पीछा करवा रहे हैं, तरह तरह की घटनाएँ साजिशें रच रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। मैंने पुलिस थाना रावतपुरा में मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी आवेदन पत्र दिए हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। संगठन में आप भारतीय जनता पार्टी के आप पदाधिकारी रहे हैं, संगठन स्तर पर आपने शिकायत की, किन किन पदों पर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का कार्य समिति सदस्य रहा हूँ, युवा मोर्चे का जिला प्रभारी भी रहा हूँ, कार्यालय मंत्री के नाते मैं जिला का प्रवक्ता भी रहा हूँ और लाहौर जेल का शासन की तरफ से संदर्शक भी रहा हूँ। संगठन के तक आपने शिकायत पहुँचाई अपनी? हाँ, संगठन के जब संगठन के सभी लोगों को शिकायत पहुंच चुकी है और सभी संगठन के लोगों के संज्ञान में, संगठन को तो मालूम है पहले भी नेता प्रतिपक्ष कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से प्रताड़ित करवा चुके हैं प्रशासन के माध्यम से, किसी का मकान तोड़वाते हैं, किसी पर फर्जी FIR करवाते हैं, फिर उसके बाद वो टॉर्चर करते हैं कि जब कार्रवाई हो जाती है उसके बाद कहते हैं कि आप अगर आपको इस कार्रवाई से बचना है तो आप हमारे पार्टी में आइए, हमारे दल में शामिल होइए, इस तरीके का खेल उनका अनेक वर्षों से चल रहा है। मुझसे तो वो 10 अक्टूबर 2019 से विशेष रूप से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जानी दुश्मन बने हुए हैं। मैंने धारा 370 पर ज्योतिराद सिंधिया जी का स्वागत समर्थन किया था जब वो कांग्रेस में थे, जब उन्होंने धारा 370 का समर्थन किया था, उस समय से उनकी सरकार चली गई, उन्होंने यहाँ भोपाल में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मेरे ऊपर बड़े गंभीर गंभीर आरोप लगाए थे, RSS के ऊपर आरोप लगाए थे। आपके ऑडियो भी वायरल हुआ है, किस तरह धमका? नहीं, ऑडियो धमका रहे नेता प्रतिपक्ष, ऑडियो जो वायरल हुआ है वो ऑडियो ऐसा है कि उसमें उन्होंने वो हर प्रशासन का गांव में सेक्रेटरी से लेकर हर अधिकारी के ऊपर वो दबाव बनाते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की भाजपा की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की भाजपा की कोई भी योजना हो, चाहे वो आवास की योजना, अपात्र लोगों को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वो क्षेत्र में प्रोत्साहन करते हैं, अधिकारियों के माध्यम से उन्हें लाभ दिलवाते हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता जो कि पात्र हैं, पात्र होते हुए भी उनको लाभ नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात ये है कि जो वास्तव में वहाँ जो आमजन है जो उसके पात्रता रखते हैं वो लोग भी उसकी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और मेरा भी मुख्य उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं वो आम जन तक पहुँचे, प्रशासन के माध्यम से पहुँचे, लेकिन क्या करें, प्रशासन ही नेता प्रतिपक्ष के जो पद है ना उस पद के दबाव के चलते वहाँ प्रशासन बिल्कुल मौन धारण कर लेता है, तटस्थ हो जाता है और किसी भी प्रकार की कोई भी जायज योजनाओं का जायज व्यक्तियों को लाभ देने में असमर्थता जाहिर कर देते हैं और हाथ खड़ी कर लेते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्देश हैं, उन निर्देशों को कलेक्टर SDM नज़रअंदाज करते हुए कहीं ना कहीं लीपापोती करते हैं और कांग्रेस विधायक के मंशा के अनुरूप वहाँ क्षेत्र में